वो इफ्तार पार्टी में आप गई ओह oh, हाँ. बहुत कंट्रोवर्सी हो गई राइट right? uh, कुछ लोग कह रहे थे अदा शर्मा अदा खान है आप एक ब्रिटिश गार्ड के बाजू में डांस कर रही थी राइट ओ माय गॉड हाँ और <laughs> लोग लिखने लगे कि एक तरफ बस्तर में वो इंडियन सोल्जर्स के लिए फाइट कर रही है और दूसरे साइड में ब्रिटिश गार्ड के बाजू में डांस कर रही है

बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला फॉर रॉकी एंड रानी एंड आपको नॉमिनेट भी नहीं किया गया था डिड यू फील लेक डाउन डिड यू फील चीटेड डिड यू फील हर्ट क्या था फिर बाद में वो वीडियो जो प्लेटफॉर्म पे था ऑफ शिल्पा शेट्टी ओपनली टेलिंग यू की वेदर पीपल अकनोलेज इट और नॉट आई एम डूइंग इट पब्लिकली वो वीडियो गायब हो गया वो प्लेटफॉर्म से विद इन लाइक ओपनली ये सब जब होता है डू यू फेयर फॉर योर लाइफ एट टाइम्स आपने सुशांत सिंह राजपूत का घर खरीदा कि नहीं हाय मैं हूँ अदा शर्मा और मैंने सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू किया है अल रॉ और ऑनेस्ट तो सब्सक्राइब टू हिस्स चैनल एंड वॉच आर इंटरव्यू केरला स्टोरी सनफ्लावर फ्लॉर टू बस्तर क्या सोच रहे भी मन में कि ये मेरा वक्त आ चुका है सच्चे दिल से बोलो सच्चे दिल से तो 1920 के बाद भी मुझे लगा मेरा वक्त आ चुका है आया था आई थॉट आई मीन मैं हमेशा वैसे ही सोचती हूँ पर क्या गलत सोची थी उस वक्त की नहीं हाँ मीन्स जितना मैंने एक्सपेक्ट किया कि होगा 1920 के बाद वो डेफिनेटली uh, हाँ मैंने तो सोचा बिकॉज आई थॉट कि फिल्म इतनी बड़ी हिट है और ऑडियंस को इतनी पसंद आई है तो आई एल बी फ्लडेड विथ लाइक लॉर्ड ऑफ

तो यानी कि आप जब लाइफ में देखती है जैसे हमारे माता पिता हमेशा कहते हैं ना जो हाँ, होता है अच्छे के लिए होता है हाँ, ये वही सिचुएशन है आई थिंक वही बेस्ट है सोचना बिकॉज फिर ही आप लाइफ जी सकते हो खुशी खुशी नहीं तो आप बहुत ही नेगेटिव और टॉक्सिक uh, इंसान बन जाओगे इफ़ यू गेट ईच थिंग दैट गो अगर आपने कुछ सोचा और वो नहीं हुआ एंड जो नाइन्टी टाइम्स नहीं होता है लाइफ में जो हम लोग चाहते हैं वो होता नहीं है तो हाउ यू डील विद दैट इज द इंसान दैट यू आर आई वुड लाइक टू थिंक कौन सी वो चीजें हैं जो जेन्यूनली आदा चाहती थी कि हो जाता hmm. पर नहीं हुआ बाद में तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि hmm. अच्छा ठीक है लाइफ इज गोइंग गुड पर उस वक्त आपको लगा यार इट्स नॉट गोइंग माई वे क्या था As in professionally or only professionally movies if you're asking, right? Personally, whatever situations. Oh, personally I have a lot of things. I had really bad acne skin jo clear ho gaya. Wo, wo sab tha. So I have different levels of things. I see animal cruelty jahan mujhe lagta hai kuch hona chahiye jo nahi hua वैसे. If you are talking strictly professionally only my career and work, I think uh, as an actor jo um, मैं करना चाहती हूँ रोल्स के लिए मैं करती हूँ लाइक इफ़ आई गेट अ रोल तो मैं ये रोल के लिए ये रोल के लिए ये रोल के लिए करती हूँ बट Like my mom is very honest with me when she watches my work, and I remember uh, she's watched like a few films of mine, and she's been disappointed. Not because I'm not good, but she said I was underutilized. She felt, and I think that for me is the most crushing thing. Not because my mom thought that, because even I think if you're doing a thing where you can, you feel I can do so much, but you have to, your contribution is just that much to it. That I feel being underutilized for me is. Uh,

But maybe the character didn't need that space, or um, I was not required to do that much, or maybe I didn't contribute to that much, or maybe I should have pushed more. And you know me, I'm not a pushy person. You know how I am. You know how I am in pushiness or in um, uh, being uh, forthright about things. I'm someone who, I'll give you an example, like when I was doing Heart Attack with Puri Jagannath, it's a Telugu film. So we went for the promotions, and uh, on the news channel or something, the anchor said, uh, Sing that song. फ्राम हार्ट अटैक ओके सो आई सेंग इट बिकॉज जब मैं प्रमोशंस के लिए जाती हूँ मुझे लगता है कि मैं लाइक मैं एक बंदर हूँ तो अगर आप मुझे कहो डांस करो मैं डांस करूँगी अगर आप बोलो गाना गाओ मैं गाऊंगी जोक्स सुनाओ मैं जोक्स सुनाऊंगी बिकॉज प्रमोशन के लिए हम ऑडियंस को कह रहे हैं प्लीज़ मेरी मूवी आके देख लो तो इफ़ दे फील कि आप ये भी कर लो आप एक लाइन ये बोलो तो मैं बोल देती हूँ बिकॉज आई फील लाइक आप लोगों के लिए कर रही हूँ सो आई सेंग एन हीनाटक म्यूजिक फॉर नाइन ईयर्स एंड पुरी सर ने कहा बताया क्यों नहीं आए सर आपने पूछा नहीं सो ही सर ऐसे नहीं होता जब आप जाते हो किसी को मिलने आप कहते हो मैं ये कर सकता हूँ ये मैं ये कर सकती हूँ यू नो ये डांस है म्यूज़िक है आपने तो कुछ कहा ही नहीं आई आज यू एक्ट यूल मैनेज अ लैंग्वेज एंड यू सेड या यू डेंट से ऑल दीज थिंग्स जो बताना चाहिए सो आई थिंक वहाँ मैं थोड़ा मार खाती हूँ आई एम लर्निंग नाउ to tell people little bit i hope <laughs> <laughs> you still lad kitne saal ho gaye abhi industry mein oh my है. god 104 saal because 1920 was 1920 जी. and now we are in 2024 Strengths kya hai aapki ki agar kaho to i can mold myself and become any character you want agar uh, uh, कुछ सीखना है कुछ new language या कुछ uh, i have good memory i can uh, manage that and uh, i think i give my life and soul to every character वो main बहुत सस्ते में बेच देती हूँ अपनी जान खुशी खुशी आई थिंक दैट वुड बी माई स्ट्रेंथनेस वीकनेस इज दिस ओनली आई नॉट बी एबल टू मे बी I I don't know. I'll not be able to be pushy about it. I think that is my weakness, maybe. Which I, yeah. आप और विपुल हाँ. केरला स्टोरी हो बस्तर हो क्या आप दोनों ने मिलकर सोचा एज ए टीम कि हम सिर्फ इश्यू बेस्ड फिल्म्स पर बातें करेंगे फिल्म्स बनाएंगे हार्डकोर रहेंगे अपफ्रंट रहेंगे एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने uh, विपुल सर के साथ कमांडो से स्टार्ट किया था ना टू एंड थ्री एंड कमांडो इज अगेन इट हैज़ अ देशभक्ति का भावना बट इट्स अगेन अ वेरी कमर्शियल सेटअप वी आर लाइक सुपर हीरोज़ वहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टाइलिश फाइट्स बहुत कूल cool लगती हूँ उसमें बाल वाल उड़ रहे हैं जब भी फ़ाइट कर रहे हैं एंड इट वॉज नॉट अ रियल रियलिटी बेस्ड फिल्म

आदाश शर्मा पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते फॉर अ परफॉर्मेंस इन द केरला स्टोरी आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला फॉर रॉकी एंड रानी एंड आपको नॉमिनेट भी नहीं किया गया था डिड यू फील लेट डाउन डिड यू फील चीटेड डिड यू फील हर्ट क्या था आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन यू प्ले स्पोर्ट्स ऑल्सो सो आई विल एक्सप्लेन टू यू विद स्पोर्ट्स एग्जाम्पल तो वो 400 मीटर्स के रेसेस पता है ना आपको फोर हंड्रेड मीटर्स तो पहली बार मुझे अलाउ uh, किया गया फोर हंड्रेड मीटर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए तो फोर हंड्रेड मीटर्स में आपको पता है ना आप ऐसे खड़े रहते हो जो सबसे अंदर सर्कल में है वो यहाँ खड़ा रहता है नेक्स्ट वाला यहाँ पे नेक्स्ट वाला यहाँ पे नेक्स्ट बिकॉज ये सर्कल में सबसे कम उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है लास्ट वाला सर्कल यहाँ तो मुझे लास्ट वाले सर्कल में अलाउ किया गया पर वो भी दे से स्टार्ट फ्रॉम हियर बट ऐसे चलेगा बिकॉज मुझे मौका मिल रहा है, है रेसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए एंड मैंने सालों से मेहनत किया रेसेज के लिए मैंने बहुत मेहनत की तो ऐसे में रेसेज में हिस्सा लेने का चांस तो मिल रहा है करते हैं आई न्यू कि मुझे डबल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बट ऐसे चांस मिल रहा है ना चांस ही तो चाहिए था तो आई एम रेडी फॉर द रेसेज इज फोर हंड्रेड मीटर्स आई हैव केप्ट माई आई स्ट्रेट बिकॉज अगर आप रन कर रहे हो यू नो यू कैन लुक राइट एंड लेफ़्ट अगर आप यहाँ वहाँ देखते हो तो सबकॉन्शियसली आपका स्पीड स्लो डाउन हो सकता है इफ़ यू सी समन ओवर टेकिंग यू यू माइट फील लेट डाउन इफ़ यू सी समन बिहाइंड यू माइट overconfident. ओवर कॉन्फिडेंट तो आप सिर्फ स्ट्रेट देखते हो एंड यू रन तो ऑन योर मार्क सेट गो एंड आई एम रनिंग फोर हंड्रेड मीटर्स फोर हंड्रेड टू हंड्रेड वन सेवेंटी फाइव हंड्रेड फिफ्टी आई कैन सी द फिनिश लाइन ओवर वेर एंड मैं भाग रही हूँ मैं भाग रही हूँ मैं भाग रही हूँ मैं भाग रही हूँ फिनिश लाइन है फिनिश लाइन है फिनिश लाइन है एंड मैंने क्रॉस किया फिनिश लाइन और मैं देखती हूँ कि पूरे स्टेडियम में सब लोग खड़े हैं और तालियां बजा रहे हैं और वो चैट कर रहे हैं आधा कॉन्ग्रेचुलेशन हाइस्ट ग्रॉसिंग फीमेल फिल्म ऑफ ऑल टाइम हिस्ट्री एंड आई एम लुकिंग बिकॉज वॉट फीलिंग डू यू गेट आई ऑल्सो रियलाइज ओ लाइक मैं फर्स्ट आ गई हूँ आई डोंट रियलाइज दैट बिकॉज मैं कहीं और देख नहीं रही थी बट ना एम फर्स्ट एंड आई लुक एंड आई सी वॉट एंड पीपल आर लाइक हाईस्ट ग्रॉसिंग सब लोग ने अपने मोबाइल्स में वो कैप्चर किया वो मोमेंट एंड मैं देख रही हूँ पूरे स्टेडियम में सब लोग तालियाँ बजा रहे हैं चैंट कर रहे हैं मेरे पोस्टर्स पकड़ के खड़े हैं एंड देन इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स भाग के आते हैं से नहीं रुको डिसक्वालिफाइड तो मैं देखती हूँ न ऐसे भाई जैसे बिकॉज अदा के जूते में रॉकेट है सो so ऐसे नहीं नहीं मेरे जूते, जूते में रॉकेट नहीं है देखो देखो तो मैं जूते उतार के उनको दिखा रही हूँ कि रॉकेट नहीं है एंड ऑडियंस में सब लोग देख रहे, है, रहे हैं एंड ऑडियंस कह रही है नहीं नहीं हम लोग ने रिकॉर्ड किया है फ़ोन पर रॉकेट नहीं है फिर मेरे जूते ले सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि क्या ये जूते में रॉकेट है तो सब लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं अंधे सिंह पर यह जूते में रॉकेट कहाँ है कैसे उसने इतने फास्ट भागा और कैसे रिकॉर्ड तोड़ा इसने तो सब लोग ट्राई कर रहे हैं तो मैं उनको देख रही हूँ कि वो लोग ट्राई कर रहे हैं और मैं ऑडियंस को देख रही हूँ और ऑडियंस तालियाँ बजा रहे हैं और दे आर जस्ट क्लैपिंग और और शोर मच रहा है और मैं यहाँ देखती हूँ कि वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का ये जो है ना ऑन स्पोर्ट्स यू नो दैट यू हैव दैट तो तीन और लोग खड़े हैं वन टू थ्री पे एंड मैं देखती हूँ कि बाकी के जो कंटेस्टेंट्स हैं सबके हाथ में पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन यू नो एवरी वन रन द रेस गेट्स पर मेरे हाथ में सर्विकेट और पार्टिसिपेशन भी नहीं है बिकॉज मैं अभी डिसक्वालीफाई हो चुकी हूँ मैं आई एम नॉट इन द रनिंग एट ऑल तो मैं वहाँ देखती हूँ और फिर मैं वापस देखती हूँ वहाँ पर और ऑडियंस चला रही है और बहुत शोर मच रहा है और मेरे नाम से वो लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कह रहे हैं एंड वो कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं हाई एस ग्रॉसिंग थ्री हंड्रेड एंड थ्री क्रोस से ज़्यादा कभी नहीं हुआ है तो मैं वो भी देख रही हूँ और मैं यहाँ भी देख रही हूँ और, और मैं देख रही हूँ कि मेरे जूते में रॉकेट नहीं था फाइनली इन लोगों ने कहा कि नहीं था रॉकेट उसने एक्चुअली रन किया तो दैट मीन्स डिड आई गेट इट सो ऐसे तो मैं जीत गई नहीं डिसकॉलीफिकेशन सो वाई एम आई डिस्कालीफाइड बिकॉज आई थिंक जो आप नाम लिखते हो जब भी आप रेसिस में भाग लेते हो वो नाम का जो इंक पेन आपने यूज़ किया था ना वो अलाउड नहीं है तो ऑडियंस अभी मेरे लिए लड़ रही है अंधे सिंह कि क्यों किसने कहा यह दंदा ऑर्गेनाइजर से नहीं एक्चुअली जो उसने नाम लिखा था वो लाइन के ऊपर गया इसलिए डिसक्वालीफाइड हो गई पर मैं फिर भी देख रही हूँ चिल्ला रही है ऑन साइड वो मेरे लिए लड़ रही है और वो मेरे लिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ मैं तो इधर देख रही हूँ देख रही हूँ पर ऑडियंस कह रही है कि अरे क्यों क्यों नहीं क्यों नहीं वो क्यों फर्स्ट नहीं है अभी इस फीलिंग को आप ही बताओ नाम क्या दू आपने इतना <laughs> सोचा हुआ है इसके बारे में आपने ये पूरा नरेट किया है जिसमें बहुत सारी चीजें समझ आती है राइट यानी

दैट डजेंट मैटर टू मी एट ऑल आई थिंक दैट मेक्स मी वेरी मैं बहुत ही अनग्रेटफुल और ऑलमोस्ट लाइक मैं कैसी इंसान हूँ फिर मीन्स मुझे इतने करोड़ों लोगों का इतने करोड़ों लोगों का डिसन या विश मायने नहीं रखता है तो बिल्कुल नहीं दैट आई विल नॉट ऑडियंस लव इज absolutely ऑडियंस भगवान है हमारे लिए पावर है हमारे लिए व्हाटएवर यू कॉल इट बट

एंड वो शोर कम नहीं हुआ यूजली यह मूवी जहाँ पर इतना डीले होकर फिर ओ टी टी पे आता है वो थोड़ा सा ठंडा होता है ना पीपल से ओ अंदाजो दे सदे सर अब भी आ रही है बहुत टाइम के बाद बट पीपल गॉट इवन मोर एक्साइटेड और शोर और भी ज़्यादा है और लोग बार बार देख रहे हैं रिवाइंड रिवाइंड करके सीन्स फॉरवर्ड uh, करके देख रहे हैं रीप्लेंग सीन्स तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट आई डोंट नो आई डोंट नो इन हिस्ट्री इफ इट राइट नाउ आई नो वी मेड हिस्ट्री

हमारी इंडस्ट्री में यू माय गॉड आई या सो हमारी इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे की वाहिरी करते हैं. ट्रेलर आया तो लोग बोलते क्या ट्रेलर था रिलीज हुआ एक दूसरे की तारीफ करते हैं पर आपके लिए लोग सामने से तो सो कॉल्ड बॉलीवुड ए लिस्टर्स हो या जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत है सोशल मीडिया पे वो लोग

यहाँ अलाउड नहीं एंड थ्रू बैन्स एंड एवरीथिंग वी वर डूइंग नो वी वैंड इन तमिलनाडु एंड बंगॉल तो स्टार्टिंग में नहीं उसके बाद सी तारीफ फ्रॉम एनी वे फील वेरी नाइस आई वुड लव तारीफ एंड टू बी ऑनेस्ट अफ्यू एक्टर्स हैव कम एंड अ लॉट ऑफ पीपल मैसेज मी पर्सनली आई हैव टू से लॉट ऑफ पीपल फ्रॉ द इंडस्ट्री हैज मी अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेंट मी लाइक डिरेक्टर्स हैव गिवन मी एन एंटायर ब्रेक डाउन ऑफ माई परफॉर्मेंस वे से Itna sab kuch all, uh, you know saw a director a certain director called me up and he was uh, saying such nice things. I said, "Can I put you on speakerphone? I want my mom to hear," because he was uh, saying such good things about me on on a call. So that and uh, actually there was uh, an actress who I really looked up to all my life, who publicly came to me on an award show and uh, uh, she was so nice to me. I will never forget that moment in my life. It uh, that it was the dadasai Phalke awards. i got the award. but from me, what she said was equal to the award that i got because i had the award in my lap when she came and i saw her and i was looking at her and i admired her work. i think she's so beautiful. i love her. so i was looking at her like that and uh, i smiled at her. and she did a double take and she came up to me. i thought it was so nice that she came up to me. and uh, i stood up and i was a little, I didn't. i didn't know how to react and she told me, i watched it and i like this, this, this and you were so. and she said such good things in front of everyone. So uh, I, was like, uh, thank you for publicly acknowledging it, which I tell everyone who publicly acknowledges that they like my work. Uh, and uh, yeah, so that moment meant like the world to me. She was so, so, so nice. Ye konsi actress hai? I don't know if we are supposed to say names. But tarif kar rahi hu aapki. It's a good thing to say. yeah, because wo aapki tarif kar rahi hai, right? Yeah, so it's okay to say Rani Mukherjee. Kya Rani ne ye स्टेज पे एंटर्ड द प्लेस लाइक देंस वज सिटिंगुलर्सन एज ऑन स्क्रीन आई डेंट नो एंडमायरिंग एंड शी मेड आई कॉन्टेक्ट विद मी एंड स्म आई डिमाइल सो ग्रेशियस सो काइंड एंड

nothing was coming out of my mouth only then i was just like and later i was like why you didn't say it you could have told her all those things of hers that and i couldn't nothing was coming out of my mouth then. i was just tongue tied <laughs> i hope so i hope she knows that she really really made for me uh, see when i think of it now also i like blush and smile because uh, it meant so much to me so i hope she knows that it really did but kahi deep down डिड यू फील की यार काश रानी ने स्टेज पर सबके सामने बोला होता इमेर डीप डाउन वेलिडेशन फ्रॉम पीपल यू लुकअप टू ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म ऑल्सो मैटर्स डिस what happened that day for me was so amazing i don't want to change anything maybe i want to change what i said back because i just was like because nothing was coming out of my mouth but she was so perfect and she to be honest we were in a public place with all actors around us over there so no i i'm a very grac gracious grateful person anyway uh, but this incident was uh, it was too nice i didn't imagine like rani mukherjee saw my movie i was like you saw a movie you saw that was my thing, and then when she was talking about performance and all, I was just like, Oh my god! Hello, my Dosto. My Angar merchandise launch is hai. Angar Yaniki fire, power from within. T shirts, hoodies, sweatshirts, jumpsuits, bags, mugs sub available at angar.store. Link is in our description. सो चेक आउट द मर्चेंडाइज परचेस इट प्राइस बहुत रीजनेबल है एंड द क्लोथ्स आर वेरी इजी एंड कंफर्टेबल टू वेयर अंगार मचाओ Sorry. फिर आ, एक वीडियो था जो एक प्लेटफॉर्म पे गया था आप एक इफ्तार पार्टी से बाहर आ रही थी शिल्पा शेट्टी एंटर कर रही थी और उस वक्त उन्होंने कहा

of shilpa shetty openly telling you that whether people acknowledge it or not, i am doing it publicly. video gaya platform within like 10 minutes, i don't know. i really don't know. oh, i don't know, but flip side, we'll have to say that it happened and we are very happy about it happening, i guess. keep looking at the bright side of things because otherwise it's just a hole where you just go down into.

Yes. हाँ वो तो कोई नहीं लेकिन वो कोई आ I think discount नहीं कर सकता है, कभी भी right वो हमेशा के लिए रहेगा no one box office of numbers भी है right वो कोई जुगाड़ नहीं कर सकता अभी I don't know I don't think so हाँ but here with prominent people like Shilpa Shetty say something which is a beautiful compliment it's captured by the paparazzi's it's on the platform and dung it goes ऐसा क्यों होता है कि is it because they're scared to acknowledge your performance publicly is it because their think tank their managers PR people say ah acha laga ka performance kan mein bol do. ya jab koi dekh nahi bolo why are people afraid to acknowledge your performance and the success of your film very openly ada this is something mm. i'm sure you must have thought of baba i have and uh,

अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम फिल्म देखते नहीं हैं या एक ट्रेलर देखते हैं तो हम एक आइडिया धारणा बनाते हैं कि ये है फिल्म इसके बारे में है या ओके okay, अभी मैंने धारणा बनाई है मैंने आपको कहा है यू आर माई फ्रेंड सो यू बिलीव इट यू टेल्स फोर अदर पीपल ना आई हैव नॉट सी द फिल्म यू नॉट सी द फिल्म यू टेकन माई वर्ड फॉर इट यू हैव टोल्ड फोर पीपल आई थिंक एनी डाउट्स कुड बी क्लियर वैन द फिल्म इज़ वॉच्ड बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने uh, क्वेश्चन रेज़ किए थे एंड वी हैड सेट कि आप फिल्म देख लो एंड देखने के बाद दे वाला एक अच्छा ओके इट्स अबाउट रेडिकल पीपल हुआ रेडिकलाइजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग गर्ल्स टू मेक दम सुसाइड बॉमर्स टेररिज्म के बारे में है एंड नो वन सपोज टेररिज्म एंड कोई नहीं है जो कहता है कि टेररिज्म अच्छा है वाई वुड एनी वन सी दैट जो भी आप कोई भी कम्यूनिटी से बिलोंग करो आई डोंट थिंक आप कहोगे कि टेररिज्म अच्छी चीज़ है तो बट आपको किसी और ने कहा कि ये फिल्म किसी और के बारे में है So अगर फिल्म देखे तो आई होप uh, जिनको प्रॉब्लम है वो जल्दी देखे मेरे इस, मेरे इस में। ने तो देखा हुआ हमारी sure. तो इंडस्ट्री ऐसे होती है ना आधा यू इट बेटर सब देखते हैं सबको एग्जैक्टली चल I रहा है सब कुछ देखती हूं सब देखते हैं इंडस्ट्री में ए लिस्ट हो जो भी लिस्ट हो नहीं हो लिस्ट

बेस्ट है ना बिकॉज अभी तक आई मीन आईटफॉर्म आई शोड माई मूवी टू दर्ल्ड

गो फॉर एन इफतार पार्टी इतना बड़ा डिबेट इतने सारे कट्स इतने सारे लोग व्यू पॉइंट डाल रहे हैं देरिंग इट गिविंग ऑन इट वॉट इज यी में बिलोंग करती हूँ जहां पर हर कम्यूनिटी के लोग है आई बिलोंग टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड चाहे मैं फ़िल्म तेलुगु में करूँ या हिंदी में करूँ या पंजाबी म्यूज़िक वीडियो करूँ या मराठी मूवी करूँ या कोई भी लैंग्वेज में करूँ दे विल भी पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्यूनिटीज़ एंड मैं हमेशा अपने फेथ um, में बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ अगर मैं सपोज़ एक मंदिर जाती हूँ विद माई ग्रानी आई शेयद वीडियो या हम लोग एक चैंट uh, में कर रही हूँ तो मैं शेयर करती हूँ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बाउट माई रिलीजन माई फेथ

तो वो सही है एंड दैट इज़ वॉट आई हैव बिन टॉट वो मेरा धर्म है जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया मेरे मॉम डैड ने मुझे ये भी सिखाया कि नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स में अगर कोई भी प्राणी हो तो दैट लाइफ इज़ इक्वल टू ह्यूमन लाइफ तो अगर हम लोग रास्ते पे हैं और एक डॉग है तो दैट डॉग या आपके घर में एक बहुत पॉश ब्रीड वाला कुत्ता है या एक एलिफेंट uh, है या एक डोंकी है या एक गाय है Uh, be respectful to their life also and i am i i go out of my way to make an effort to be as kind as nice because my religion is being kind to people to all species to my boy Uh but i also feel like i am answerable to everyone who was hurt so i'm uh, you know i'm uh, just not justifying but i'm putting this explanation down about um, what my mental space is हाउ एवर नाउ इफ यू आर गोइ टू से शी बी के मादा खान इफ्तार पार्टी में जाके तो आप केरला स्टोरी का वो थाट प्रोसेस ही प्रमोट कर रहे हो जो यू नो लड़कियों को आप कन्वर्ट करते हो अगर वो कहीं जाती है दैट इज़ वो सही नहीं है मुझे लगता है आप सरनेम बदली कर रहे हो तो आपको अपना सोचना चाहिए आई डोंट इवन थिंक आई शुड कॉमेंट ऑन दैट एट ऑल इफ़ समन इज मेकिंग विडियोज दैट एंड बाकी वॉट आई वोर आई था मैंने सही तो पहना आया वोर शलवार कमीज एंड पोट विच आई थॉट आई लुक वेरी नाइस इन इनफैक्ट माई ग्रैनी मेरी पार्टी जो है उन्होंने सेलेक्शन किया मेरी स्टाइलिस्ट आई चार लुक्स के साथ और हमने सब ट्राई किया एंड माई पार्टी से वेरी नाइस यू शुड वेयर दिस तो मैंने वो पहन लिया मुझे लगा कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ और अच्छा लग रहा है एंड रही बात खाने की तो आई थिंक एवरीबडी नोज कि मैं जानवरों को क्या मैं प्याज़ लहसुन सब नहीं खाती हूँ यू डोंट दैट लाइक आई एम दैट पर्सन तो उसका जस्टिफिकेशन आई डोंट वांट टू गिव एनीवन सेइंग आई दे नीड इट बिकॉज़ देयर इज नो देयर इज नो बेसिस ऑफ एनीथिंग लाइक दैट आई थिंक गोइंग टू अ फंक्शन एंड सो मुझे नहीं लगा मैंने कुछ गलत किया आई डोंट नो डिड आई डू समथिंग रॉंग आई डेंट आई डेंट थिंक सो आई जस्ट फील इमेजिन कि आप एक केरला स्टोरी करती है जी और उसके बाद आप जो भी करती इतना स्क्रूटनाइज हो जाता है इमेजिन पीपल से अदा शर्मा अदा खान हो गई हैं लोग आपको फ्रॉड बुला रहे थे हाँ। जब आप गई थी उस पार्टी में इमेजिन स्टार जिनका वीडियो ऑफ प्रेजिंग यू डिसअपियर्स इट्स <laughs> इट इज लिटल विद मच आई एट नाइट सो आई केम बैक एंड मेरी जो पार्टी है वो स्टॉक करती है मुझे सोशल मीडिया पर यू you नो know. तो वो स्क्रीन शॉट करके आर्टिकल्स भेज देती है मुझे ओके ऑन व्हाट्सएप सो आई एम सींग शीज रिटर्न ट्रोल क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क वाई वॉट इज रॉन्ग विद वॉट यू हैवन इस वॉट इज एंड मीस लुकिंग एंड आई रेड रेड द फर्स्ट टू थ्री कॉमेंट्स एंड सर यू नो मैं छोड़ देती हूँ बिकॉज फर्स्टली द नेक्स्ट डे शूट था सुबह एंड सर ये सब पढ़ के मेरा दिमाग ही ये हो जाएगा लाइक like,

And next day, also I spoke to my granny first because, first, for me, my family, and she was like, What is wrong with what you wore? Salvar kameez, you wore no potter and salwar kameez. What is wrong if you wear potter and salwar kameez and go anywhere? So I was like, I mean, I don't know. Then she said, They have no job and no work to do. You concentrate on your work and concentrate on what you are doing. Kya ye sab jab hota hai, do you fear for your life at times? No, life, uh, I don't know if I should be publicly saying, but.

but a movie like Say Kerala story or bastar we're putting out a voice for like those girls who didn't have a voice or if you are speaking for say uh, an animal cause suppose we were doing a campaign uh, for anti like not to use of le no use of leather i think that's such a beautiful thing to do and if somebody gets angry with me for that then be angry with me it's okay but i want to say don't uh,

और एक होता है कि मैं रोड पे नहीं चल पाऊंगी बिकॉज यू फील कि इतने स्ट्रांग रिएक्शन आए सर्टन सेक्शन से hmm. जो रिलीजन के मुद्दे पे खड़े हो जाते हैं प्रोपागेंडा के मुद्दे पे खड़े हो जाते हैं पॉलिटिक्स के मुद्दे पे खड़े हो जाते हैं तो आपको वो तो थोड़ा डर रहता है कि क्या मेरे साथ कुछ हानिकारक चीज हो जाएगी इफ आई मूव अ लोन ऑन द रोड वन डे डू फीलिंग नो बिकॉज आई थिंक दैट वुड बी रॉन्ग टू हैव अगर मैं मैंने केरला स्ट्रीज जैसे मूवी की है ना ऐसे मुझे डर लग रहा है तो कितनी सारी लड़कियाँ जो इंस्पायर हुई हैं मुझसे कितनी सारी लड़कियाँ जो मैं मिली हूँ अब मैट गर्ल्स हु से दैट यू नो यू सेड इट यू स्पोकन अप आई विल ऑल्सो स्पीकअप कितनी सारी लड़कियाँ हैं जो लुकअप करती है मुझे मीन्स वो सब लड़कियाँ भी कहेंगी कि ओ अदा डर रही है तो दैट इज़ वन थिंग दी अदर थिंगज़ ऑल्सो माई डैड वॉज नमोचिन नेवी यू नो तो ही इज़ ऑलवेज़ टोल्ड मी दैट यू नो आई मीन इफ यू डूइंग द राइट थिंग और आप सच बोल रहे हो तो फिर डरना नहीं चाहिए झूठ बोल रहे हो तो फिर डरो झूठ तो मैं बोलती नहीं हूँ बिकॉज आई गेट वेरी स्ट्रेस्ड लाईन लाइफ आम रीचिंग इन टेन ट्वेंटी फॉर दैट लाइक इट रियली गेट्स मी पैनिक No, I didn't have time to uh, then because Kerala story, ke turant baad, there was uh, Commando, the OTT one that released. It's not even been, it's been like eight months now since Kerala released. So, Commando uh, released the OTT. Wala. Then, uh, now in this month, in the last month, there was uh, Kerala story on OTT, Sunflower Season 2, and Buster. All three released in a month. And uh, I. Exhausted, but uh, so much fun. Who gets and such different variety of roles? I feel like uh, it's so cool and so much love pouring in from everywhere. It's uh, Sunflower, also, like so many people have watched, it's breaking records. And also, uh, so no, depression, uh, no, not. I hope, I hope not. I hope I can. Uh, uh, depression is, I think, you have to keep your mind really strong and try to think uh, out for other people and what you can do for someone else, and then. टली है मेरी लाइफ क्या है उसने क्यों नहीं पब्लिकली बोला मेरे ओके टू आवर्स हैव गॉन उसके बाद वाले दो घंटे गए बिकॉज दो वो दो घंटे गए फिर मेरा एक्सरसाइज भी जो मैं करने वाली हूँ मैं डांस करने वाली हूँ वो भी गया मेरा पूरा दिन चला गया इंस्टेड इन दोज टू आर्ज मैं स्टार्ट थी कि ऐसे नो 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 माइंड एंड माई माइंड इज आई ट्रेन माई माइंड क्वाइट वेल आई ईप इट नो अ वेरी टाइट लीश सो इफ यू टेट द लीश अगैन एंड यू सी नो 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 डोंट गो दै कम बैक हेयर एंड मे बी यू नो डू दिस डू दिस डू दिस प्ले द पियानो फो वन आवर switch your phone off and just play the piano for one hour and at that time concentrate and pretend like you're doing a piano concert for everybody at home. No, not that there's audience. imagine there's a nuclear audience and you're doing that. yeah. flute bajao ek ghante ke liye. and i get my mind back. of course my mind wanders but that's the whole thing. not to pull your mind back every time at jihadosto. Uh... merakutka merchandise. angar merchandise. jumpers. t-shirts. hoodies. मग्स ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज अंगार डॉट स्टोर यहां पर क्लिक करिए लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे आप एक ब्रिटिश गार्ड के बाजू में डांस कर रही थी राइट ओ माई गॉड हा और <laughs> <laughs> लोग लिखने लगे कि एक तरफ बस्तर में वो इंडियन सोल्जर्स के लिए फाइट कर रही है और दूसरे साइड में ब्रिटिश गार्ड के बाजू में डांस कर रही है एंड उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आए थे एंड दिस इज एक्चुअली बिफोर केरला स्टोरी एंड ऑल ऑल्सो नो तो टेक्निकली आई बिन ट्रोल्ड बिफोर केरला स्टोरी वी कैन से दैट फर्स्टली दैट वॉज नॉट अ ब्रिटिश गार्ड ही वॉज एन एक्टर एंड मैं लंडन टूरिज्म के लिए कुछ कर रही थी सो इट वॉज अ प्लड थिंग मैंने खुद की सोशल मीडिया पर ही वो वीडियो इट स्टिल मे बीट आई डों मीडिया हैश टैग ऑल्सो लाइक लंडन टूरिज्म एंड ऑल वो था बट इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग नो हमारे कंट्री के बारे में कोई और कंट्री ऐसे कहता नहीं हमारे लोग जो है आई थिंक दैट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग कि हम इंडियंस जो है दूसरों के सोल्जर्स के लिए भी हम लोग एम्पति फील करते हैं दैट्स सच अ ब्यूटिफुल थॉट आई डोंट थिंक कोई और कंट्री में ऐसे होता लाइक like, हम इंडियंस अफकोर्स वी लव आर ओन सोल्जर्स बट वी लुक एट अन अदर कंट्रीज सोल्जर एंड अदर कंट्री हू हैड लाइक हम लोग उनके गुलाम रह चुके हैं ब्रिटिश के राइट वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल फोर ययर्स एंड ययर्स हाउ एवर स्टिल इफ यू सी समथिंग बैड हैपनिंग और आई मी दे सॉ इट एज आई वॉज डांसिंग और इट वॉज नॉट ही वॉज नॉट पोर्ट्रेड इन ग्रेट लाइट आई थिंक दैट्स अ ब्यूटी ऑफ माई कंट्री एंड आई थिंक इतनी खूबसूरत बात है कि आप uh, दूसरे कंट्री के सोल्जर जिस कंट्री ने आपको गुलाम बना के रखा है उस कंट्री के सोल्जर के लिए भी आप एम्पति फील mm. करते हो आई थिंक ओनली इन कंट्री हैपन एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन साहब गुजर गए थे आपने mm. पोस्ट डाला वेयरिंग ब्लिंग उसके mm. लिए भी स्ट्रांग <laughs> Post on Wednesday, post on Friday, post on this thing. So, my team had like timed those posts to come on that page and it came right on the day. I think we were both wearing, and I said uh, uh, we both wore bling or something and twinning or something. So, uh, I think it just was really wrong timing. So, that I totally would apologize for because uh, wrong timing, but I would never mean to say anything derogatory to, any, to anyone. But if anyone did take offense of that, uh,

Um, but i feel like um, when i'm comfortable i went to see the place when i had gone to see the place i got a little overwhelmed with the media attention and you know me i'm a little i'm private i'm an actor i love being um, in the public i for my movies and all and i understand you are interested in my personal life but i've always been private like no one knows what i do when i'm not in front of the camera i'm very very private and i really really um, Guard my privacy, so I got a little overwhelmed with the attention that we got then. And I also thought it was like baat hai na? to talk about someone who's not in this world, who's done such beautiful films, to who's done such great work to speak about them because they're not here to just say anything about them. I don't stand for that at all. And uh, he's an actor who I have great respect to, so I would like to have everything put where everybody I mean, where he has his respect and form. And I don't want people loosely commenting about. I didn't like it. I read some comments about him. I mean, I'm here. I'm alive. You told me. Don't troll someone who's not here or doesn't have someone to speak up for them. Uh, that was not a cool thing. So, of course, I will speak about where I live and all in where I live in uh, materialistically where I live very soon. Um, but right now, I think in the hearts of millions of people, rent free, and I hope they'll keep me there for a very long time. I hope that will be my permanent residence.

I like all actors. Listen, the question is not who I like. The question is who likes me. Isn't that what we are establishing from the start? We should be asking other people. I like everyone. I want to work with all. ऐसा हुआ है कि कोई एक्टर में आपके ऑपोजिट काम करने से मना कर दिया और आपको पता चला? नहीं पता तो नहीं चला. कैसे पता चलेगा? They'll do it where I don't know ना. तो but पता sometimes नहीं पता चल जाता है ना. Inside information आ जाती है. अच्छा. You know, प्यार अता he refused to work with you. Oh no, not yet at least.

हम लोग वो देख रहे हैं न आना ऐसा लगता है ये घर सदियों से हमारा इंतज़ार वो वाला सो ही आर टोल मी ही सेट मेक श्योर वैन यू डब इट मेक श्योर योर वॉइस साउंड मेच्योर बिकॉज यू आर द दुरा ऑफ द हवेली यू यूज ऐसा लगता है ये घर सदियों से हमारा डोंट डू दैट सो आई हैड प्रैक्टिस माई वॉइस मॉड्यूलेशन एंड he was so nice he treated us both like we were stars in our first movie i remember he gave us a business class ticket plus one so rajnish came with his wife i went with my mom and he put us in a nice fancy hotel and he said i want you all to feel like you all are stars and every day on set he was very punctual but uh, one day uh, at 9.05 i didn't reach set and he knocked on my van he's never and i'd opened the door we were doing that scary makeup and he did that i remember

आई एम फिजिकली आई गॉट अ लिटिलिटिल अनवेल नाव ऑल्सो नॉट मेंटल बट एवरी माइट है स्ट्रेस एवरीथिंग कैन बी ब्लेम्ड ऑन स्ट्रेसो आई ब्रोकन ऑन दो हाइव ड्यूरिंग कमांडोज प्रमोशन एक्चुअली एंड आई डोंट नो वॉट यू कैन ब्लेम इट ऑन लाइक अ फूड और स्ट्रेस आई ऑलवेज बिलीव एवरी थिंग लीड्स बैक टू स्ट्रेस Um, a food allergy, a hormonal imbalance, everything—it leads back to stress. So. Uh, so basically, I mean, it's a medical condition, right? It is a medical condition. I had a really severe eczema. So now, when I get hives, it goes uh, like my entire body and face. I look like a reptile. Like, there's no part that is not. Uh, and you won't believe because after that, in like five six days, it's normal, and you will be like, "Kuch nee, Your skin is so clear. You don't need makeup. People will tell me, I say, but you don't know when it was there. It's like these huge red. Uh,

criticized the film hmm. and he came out in the open he spoke about how critics take money for all this are you aware yahua on side. i'm aware i didn't know the critic came back i'm aware that he spoke about this and i think he's very cool he's an outspoken person i have huge respect for people who speak their mind um, i believe i'm someone who's pretty honest that way but i don't know if i'm uh, somebody who like takes a stand and says things and all like that sometimes i'm just like arey let it go but i have huge respect for somebody who can speak out in the open anyone who does especially someone not from the industry who is speaking it is and taking yeah. it on and yeah then vidyut is my friend so i totally like wow yeah is very cool that he can do that ye aapke sath bhi hua hai ki koi critic ne bola acha mujhe paise de do to main acha lik dunga maybe not now तो abhi yeah. to obviously openly sab cheeze likhi ja rahi hai things and stuff like that pehle hua ye no i think mere sath they won't come to an actor and tell no i think vidyut produced the movie himself right K crack hmm. so he probably be in touch with critics and all directly i've been an actor i've not produced or

Huh. <laughs> was i wrong in my thinking or was yeah, I right? yeah we were not a couple we've not been a couple but our chemistry is good because i also feel if you are a couple i no i can't comment on if you are but i feel sometimes when you're so comfortable with someone and someone's your friend you can get better chemistry with them because that awkwardness is not there i feel huh? as an actor also like on screen also uh, if there's nothing in real life sometimes when you're so comfortable maybe if you are a little attracted to the person uh, that thing is also there, that awkwardness is also there, maybe. And if you're uh, not, yeah, you're not, and you're, you're just buddies with somebody, then it's uh, easier, I think, for me at least. My last question, okay? So, this is online. It's a debate. The teaser and trailer of Buster have already gone viral. This hmm. is online. Hmm. And one particular scene which has resulted into a debate online is that of Ada's character stating that the students of JNU, the left-wingers, and the liberals should be shot for supporting the Naxals. It's obviously a character, Joe Boldrak. But when you differentiate Ada the person and Ada the character, say. frustrating. For you. Firstly, compliment <laughs> because uh, the character is very different from what I am. Like I said, she's. Um, Brave and strong, and she's you know I'm not that person. You know I would love to be that person. Uh, Nirja Madhavan is a very um, aspirational character for me, and i of me my life to film ke liye because I felt like this. I'm getting to play this. They are allowing me to play this, who's so far away from the person I am. I do stand for the truth always. Okay, I'm not saying I don't, but I don't know if I'm someone who like fight it, be vocal about it, um, bark in your face about it, and that's what Nirja Madhavan is. So, if you actually believe that I was her for me as an actor, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, firstly. Secondly, you have to see the context that she's saying it. She's seen 76 of our Jawans who are brutally um, uh, butchered when you see the film. That scene, they have been uh, shot dead, cut into pieces when they were not fighting a war, when they were in that place, they were not on the battlefield. And that is when people from our own country went and killed our own Jawans so the height of her frustration and the system is blaming her for that happening when she was desperately calling the home minister saying please send backup i need backup for this and they were not sending her that backup so her frustration level is really really high also um, she knows the people who are involved in that in this happening so she says like make them stand or i'll gun them down like they gunned down the 76 jawans so I actually don't think there's any justification needing to happen there. Once you watch the movie, like I said, it's like Allah story. Once you why you said this, Array, but watch the movie. Once you watch the movie, I think you have your answers to that also. But uh, I'm uh, very difficult for people to believe. But I'm not the characters that I play. Uh, of course, there'll be a little of me who'll go into all. Some are aspirational. Some are like sunflower. Uh, some bits of her are aspir aspirational. Rosie Mehta because she's charming and she's so hot and. Uh,

वो भाग के निकल गई वहाँ से वो टेररिस के बीच एस्पिरेशनल सो so, चीजें हैं बट नो बट आई थिंक इफ समन थिंग्स एम अ कैरेक्टर वो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट भी है मैं तो वैसे लेती हूँ कि वाह थैंक यू यू थिंक आई एम दैट कैरेक्टर मैंने अच्छा जॉब किया होगा मेरा एक वर्ड है कॉल्ड अंगार विच मीन्स फायर फ्रॉम विद इन स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन एंड यू आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन अदा शर्मा थैंक थैंक यू 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 फॉर थैंक यू सो मच थैंक यू